आईपीओ जेके डीपीएस फ्रंट जुदवीर सिंह चिब की अध्यक्षता में बैनर के तहत बड़ी संख्या में प्रेस क्लब जम्मू में अपनी समस्या को उजागर करने के लिए इकट्ठे हुए और एक विरोध रैली का आयोजन किया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास कुछ मुख्य समस्याएं हैं जिनका हम पिछले 7 दशकों से सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपनी समस्या पर कार्रवाई करने की अपील की। आज हमने जो प्रोटेस्ट किया है उसका मेन मकसद है कि जो डीपीएस की फाइलें अभी तक लिंगरान हो रही हैं, लटकी हुई हैं या पास नहीं हो रही हैं, उनके बारे में हम ये कहना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट को या उस कमेटी को जो डिटेल की गई है। और मेरे हिसाब से जो 2-3 कमेटियाँ बनी हो चुकी हैं, अगर इस ढंग से ये सिलसिला चलता रहेगा तो कई साल इसको लगेंगे। हम चाहते हैं अगर डीपीएस के फाइल में कोई छोटी मोटी कमी है तो गवर्नमेंट उसको रिलैक्सेशन पे उसको पास करने की कोशिश करे, सिर्फ यही साबित करे कि उसको ये ड्यूटी है या नहीं है। अगर है तो उसकी फाइल पास होनी चाहिए। हजारों डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ये लगाओ वो लगाओ, उसका ये करो वो करो, ये बहुत गलत मैं समझता हूँ कि प्रोसेस चल रहा है जिसको इन्होंने ढीला करना चाहिए। मैं अपने गवर्नर साहब से जो अभी गवर्नर राज में आए हैं और इसी तरह से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहूँगा कि वो भी इनिशिएटिव लें और इन लोगों को लाइटें जारी करें जो हमारे ऊपर ये कानून लागू कर रहे हैं कि इन चीज़ों को रिलैक्सेशन देकर फाइलें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 100% पास की जाएँ, क्योंकि वही आता है जो डीपीज है बशिंदा इधर का या लोकल जहाँ का नहीं आएगा तो फिर इनको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कमी है, अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इनके आपस में नहीं है, हमारे मुआवजा नहीं।